झज्जर के गांव गोरिया की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय शूटर मनु भाकर ने यूथ ओलंपिक गेम्स में वुमन कैटेगरी के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये यूथ ओलंपिक गेम्स के इतिहास में शूटिंग में भारत का पहला गोल्ड मेडल है। मनु भाकर 236.5 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रही। बता दें, मनु क्वालिफाइंग राउंड में भी 576 के स्कोर के साथ टॉप पर रही थी। इससे पहले मनु ने 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। हालांकि वे एशियन गेम्स में मेडल नहीं जीत सकी थी। वर्ल्ड कप के इंडिविजुअल और टीम इवेंट में भी मनु भाकर ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। बता दें, मनु भाकर का ये इस साल का 6ठा स्वर्ण पदक है और वो अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 से ज्यादा पदक हासिल कर चुकी है। After winning this medal, I want to thank everyone there in India supporting me so much, and like my family, mummy, papa, OGQ that supports me so much, and as well as my coach, my federation, NRAI, and everyone, our president and my coach Jaspal sir, who has been like a great supporter for me throughout my shooting years, and I would like to thank so much. And today I'm very happy this after winning the gold medal, which was my dream, and now it's like it has come true. आज बहुत खुशी की बात है, मनु ने यूथ ओलंपिक में मेडल जीता और ये बहुत बड़ा मेडल है। इस मनु के स्कूल यूनिवर्सल स्कूल गोरिया में एक उत्साह का माहौल है। गोरिया गांव में, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बहुत खुशियां हैं और बहुत सारी बधाइयां आ रही हैं, और इस मौके पे मैं देशवासियों का धन्यवाद करूंगा। उनके प्यार, उनके आशीर्वाद से मनु ने आज ये मेडल जीता है।